हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब इस गर्मी ठंडी के मौसम में चेहरे की तो बैंड बज जाती है, डार्क सर्कल्स, पिंपल्स, रिंकल्स, न जाने कितनी प्रॉब्लम्स आ जाती है चेहरे पे। इन सभी का मैंने एक ही देसी जुगाड़ निकाला है अपने डल ड्राई से स्किन को एकदम लाइटनिंग, ब्राइटनिंग और वाइटनिंग बनाने के लिए। कम से कम समय में एकदम देसी जुगाड़ मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको करना है लाइक एंड सब्सक्राइब ऑन माई चैनल। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इस होम रेमेडी फेस पैक को बनाने के लिए मैं ले लूँगी 1 से 2 छोटे चम्मच बेसन। क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने आज सोचा है कि नहाते वक्त साबुन किसी भी सोप के प्लेस पे ये होम रेमेडी फेस पैक ही यूज़ करना, इसलिए क्वांटिटी मैंने थोड़ी सी ज़्यादा रखी है। 2 चम्मच बेसन के साथ मैंने ऐड किया है 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर। 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर के बाद थोड़ा सा हल्दी पाउडर यूज़ करना है, यानी कि टर्मरिक पाउडर। उसके बाद तीनों को ना अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद अंत में लास्ट में हमें ऐड करना है इसमें कर्ड, यानी कि दही। दही हमारे चेहरे को, हमारे स्किन को काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइज करता है। दही में भी वाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हमारे स्किन को बहुत ज़्यादा स्मूथ बनाता है, साथ के साथ काफ़ी ज़्यादा ठंडक भी देता है। आप दही को वीकेंड में अपने बालों में भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर डैंड्रफ फ्री हेयर। और तब तक के लिए फिलहाल आज हम फेस पे और अपने बॉडी पर दही को अप्लाई करेंगे इस होम रेमेडी में ऐड करने के बाद। कंसिस्टेंसी बिल्कुल इसी तरह होनी चाहिए, एकदम क्रीम जैसी, पानी जैसा नहीं कि बह जाए चम्मच में आते के साथ, और एकदम रफ नहीं कि वो स्क्रबर बन जाए। फेस पैक बनाना है तो क्रीम बेस्ड कंसिस्टेंसी ही होनी चाहिए, जैसे कि इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं। वैसे तो मैं सजेस्ट करूंगी कि ये नहाने से पहले ही आप अपने ऊपर अप्लाई कर लें, क्योंकि इसमें ना कपड़ों की तो बैंड बच जाने वाली है। तो यहाँ पे आप कंसिस्टेंसी देख रहे हैं, जब भी मैं अपने फिंगर्स पर ले रही हूँ इस पूरे बनाए हुए फेस पैक को, तो एकदम क्रीम बेस्ड है, एकदम नीचे की तरफ गिरे नहीं जा रहा है। काफ़ी ठंडी ठंडी सी दही थी, फ्रिज में रखी हुई थी, फ्रिज से तुरंत निकाल के होम रेमेडी बेस्ड इस फेस पैक में ऐड कर दिया। काफ़ी ठंडक मिल रही है चेहरे को, और ये वाली होम रेमेडी ना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। नेचुरल तो है ही, बाहर से हमने कोई भी चीज़ नहीं डाली है सिवाय कॉफ़ी पाउडर के, क्योंकि वो हम घर में तो बना सकते नहीं है। तो कॉफ़ी पाउडर को हमने ऐड कर दिया है, लेकिन हाँ, केमिकल वाला कॉफ़ी पाउडर बिल्कुल भी नहीं। ऐसे नहीं कि मैंने आपको कलर ऐड करके दिखा दिया हो, नॉर्मल कॉफ़ी जो भी मार्केट में अवेलेबल होती है आप ले सकते हैं और इस होम रेमेडी को बनाने में यूज़ कर सकते हैं। इस होम रेमेडी फेस पैक से आपके अनवांटेड स्किन हेयर जो है, फेशियल हेयर जो है, वो भी ईजिली रिमूव हो जाएंगे अगर आप इसे स्क्रब करके निकालेंगे। तो स्क्रब करके निकालने में थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसीजर होगा, मैं इसे डायरेक्टली वॉश करने वाली हूँ, लेकिन अगर आपके चेहरे पे फेशियल हेयर्स काफ़ी ज़्यादा है तो आप इसे 2 मिनट एक्स्ट्रा टाइम देके अच्छे से धीरे धीरे फिंगर टिप्स की हेल्प से अपोजिट डायरेक्शन में भी अगर स्क्रब करते हुए रिमूव करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट हो जाएगा। नेक वाले पोर्शन में लगा लेना है, फिर अंडर गार्म्स में भी आप इसे लगा सकते हैं। आपको जहाँ भी लगता है कि बॉडी में टैनिंग हो रही है, कालापन आ रहा है, तो आप वहाँ पे लगा सकते हैं। फ्रंट नेक में, बैक साइड ऑफ नेक में भी आप इस फेस पैक को लगा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, नेचुरल है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। पैच टेस्ट किया मैंने तो इसे पूरा लाइव टेस्ट करके आपको दिखा दिया है। अब इसे अच्छे से दोनों हाथों में ले लेना है, थोड़ा सा स्क्रबिंग करते हुए अपने चेहरे पे मल मल के लगा लेना है, ताकि चेहरे पे जो भी डॉट वगैरह होना वो इजीली रिमूव हो जाए इस फेस पैक के थ्रू। और इस फेस पैक को आपको बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं है, वीक में सिर्फ 2 बार लगाना है, या मेरा बताया हुआ कोई भी फेस पैक है रेगुलर बेसिस पर नहीं लगाना है, कम से कम वीक में 1 बार, ज़्यादा से ज़्यादा वीक में 2 बार। मैं ऐसे भी नहीं कहूँगी कि वीक में 4-5 दिन लगा लो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वीक में सिर्फ आपको 2 ही बार कोई भी फेस पैक लगाना है। और ये वाला फेस पैक तो ऐसा है ना कि आपको पार्लर से भी ज़्यादा ग्लो देगा। हम पार्लर में घंटों बैठते हैं, बहुत सारे क्रीम्स और केमिकल्स अप्लाई करते हैं अपने पूरे बॉडी पे, स्किन पे, चेहरे पे, लेकिन इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं आता। 2 ही दिन में हमें पता चलता है कि इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं है, सारा तमाशा था। अब यहाँ पे देखो, चेहरे को चमकाने में मैंने अपने कपड़ों को भी चमका दिया, क्या ही चमक है। अब मैं वेट करूँगी 10 से 20 मिनट का इस फेस पैक के सूख जाने का। फेस पैक जैसे ही सूख जाएगा मैं इसे वॉश कर लूँगी, आपको भी सेम करना है। और हाँ, अगर फेशियल हेयर रिमूव करना है तो आपको भी फिर स्क्रब करना होगा। अब यहाँ पे मैंने फेस वॉश किया, मैंने पूरा नहा धो लिया है, और रेडी होने के बाद मैंने ये वीडियो शूट किया है आप लोगों को दिखाने के लिए कि देखो बिल्कुल भी डार्क सर्कल्स नहीं है। यहाँ पे कोई ज़्यादा एक्सेस मेकअप मैंने नहीं किया, सिर्फ काजल और लिपस्टिक है, और चेहरे पे मॉइस्चराइज़र लगा लिया था, उसके अलावा कुछ भी मेकअप नहीं किया है। लेकिन कमाल का ग्लो आया है, ऐसा ग्लो तो एक बार में पार्लर वाली दीदी भी हमें नहीं दे सकती। बिना केमिकल के इतना सारा ग्लो लाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, मेरे साथ, मेरे इस चैनल पर सब कुछ पॉसिबल है। आप अपनी ब्यूटी को मेंटेन रख सकते हैं, वो भी मेरे ब्यूटी टिप्स से। वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा ये लुक अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलना। जब आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के धमाकेदार ब्यूटी टिप्स के साथ। ओके, बाय बाय।